Modigi, welcome! लड़कियां आजकल 11-11 बजे भी आप देखेंगे सड़कों पे इजीली चल पा रही हैं। मुझे लगता है वो सब मोदी जी की वजह से हो रहा है। उन्होंने इतनी डेवलपमेंट एजुकेशन में भी लाई कि वो काम नहीं होते थे स्कूल में, पहले ऐसे पढ़ाया नहीं जाता था। टीचर्स की आज क्वालिफिकेशन चेक की जाती है तब टीचर्स को क्वालिफाई किया जाता है, वो सब मोदी जी की वजह से हुआ। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कई लोग दूर दूर से आए हैं। स्टेडियम तो पूरा खचा खचा आपको दिख ही रहा है। यहाँ हमें दो लड़कियां मिली हैं और कहते हैं ना कि कश्मीर का भविष्य यही लोग हैं, तो इनसे भी जरा पूछते हैं कि कश्मीर कितना बदला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिबा है। साहिबा, ये बताओ कश्मीर बदला? बहुत ज्यादा बदला, बहुत डेवलपमेंट आई हर जगह। मतलब इतनी डेवलपमेंट कश्मीर में नहीं थी जितनी उन्होंने लाई है। तुम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हो? हाँ। तो ये बताओ शिक्षा के क्षेत्र में तुम्हें लगता है कि सब कुछ स्मूथ है, जाते हैं, तुम लोगों को एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही एजुकेशन में, मतलब बहुत आगे जा रही है हमारी एजुकेशन। उन्होंने इतनी डेवलपमेंट एजुकेशन में भी लाई कि वो काम नहीं होते थे स्कूल में, पहले ऐसे पढ़ाया नहीं जाता था। टीचर्स की आज क्वालिफिकेशन चेक की जाती है तब टीचर्स को क्वालिफाई किया जाता है, वो सब मोदी जी की वजह से हुआ है। स्कूल्स खुलते हैं क्योंकि पहले तो ज्यादातर कर्फ्यू लगते थे, महीने में 15 दिन बंद रहते थे, अब क्या स्कूल खुलते हैं? जी, अब मुझे लगता है आप पहले की अगर कोई भी हिस्ट्री निकाले 1999 से आप देखिए, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो टाइम था ना वो कर्फ्यू में गुजर जाता था। 2016 में देखिए 4-5 महीनों के लिए कश्मीर टोटल बंद था, इंटरनेट सर्विस बंद थी। लेकिन 2019 से खास करके ये जो 5 साल रहे हैं इसमें एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि इंटरनेट सर्विस बंद हुई हो, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो। यहाँ पे इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होते हैं, मोबाइल सर्विस बंद नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन में कोई रुकावट नहीं आ रही है कम से कम। और जहाँ पे जैसे कि मार्च सेशन का ये हुआ है उसकी वजह से बच्चों को ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। अगर महिला होने के नाते, लड़की होने के नाते सुरक्षा की बात करें, 370 हटने के बाद हालात कैसे बदले हैं, आप लोगों ने क्या देखा? देखिए, एक चीज जो हमने देखी है 370 हटने के बाद वो ये थी कि लोग जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे इस चीज को, कि जिस तरह से उनका यहाँ की मतलब खास करके जो कश्मीरी लोग थे, जितना उनको यहाँ पे लग रहा था ना कि मतलब शायद खराबी आ जाए, वैसा कुछ हुआ नहीं है। और दूसरी बात रही बात सिक्योरिटी की, तो लड़कियां आजकल 11-11 बजे भी आप देखेंगे सड़कों पे इजीली चल पा रही हैं। मुझे लगता है वो सब मोदी जी की वजह से हो रहा है। आप लोग कहाँ से आए? जवाहर नगर से यहाँ आने में कोई दिक्कत, कुछ परेशानी? कुछ भी नहीं। अच्छा, आप तैयारी कर रही हैं, तो तैयारी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जाना होता है? आने जाने में कभी ऐसी चीज जब आपको लगा हो कि इनसिक्योर फील कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, इन्होंने यहाँ पे स्मार्ट बसेस भी ये लॉन्च किए, जिसकी वजह से जो रूट्स है एक तो उनमें भी ये हुआ है, दूसरी चीज भीड़ भाड़ नहीं होती है, तो वो धक्कम धक्का जो जिस वजह से एक लड़की इनसिक्योर फील करती है, तो वो सब यहाँ पे नहीं हो रहा है। पीएम के दौरे से कितनी उम्मीद, क्योंकि पीएम को सुनने आई है तो कुछ सोच कर आई होंगी क्या? पहली बात तो यहाँ पे आना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से भीड़ हमने सुबह से देखी है, सुबह ऑलमोस्ट 6 बजे से इतना शोर मचा हुआ था, लोग दूर दूर से आ रहे थे, तो एक टाइम के लिए तो मुश्किल लग रहा था कि जगह भी मिलेगी कहीं पे। बट हाँ, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पे आए कि हम मोदी जी को लाइव सुनेंगे, तो वो चीज बहुत ही ज्यादा इंसान में एक हौसला देती है कि नहीं आगे जाके। मोदी जी में क्या पसंद है? मोदी जी में क्या पसंद? उनके हर काम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, मैं चाहती हूँ मैं उनके जैसी बनूं। आप तो मोदी जी के जैसे बनना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, उनकी तरह 24 घंटे काम करना होगा। हार्ड वर्क हर चीज में जरूरी है। हाँ। तो अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता उनका परिवार है, क्या आप लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना परिवार मानते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल उनका अपना परिवार मानती हूँ, मतलब उतना अपना परिवार नहीं करते जितना उन्होंने हमारे लिए किया है। जब पीएम को लाइव सुन रही होंगी, आप लोगों के कोई संदेश कुछ भी प्रधानमंत्री के लिए देना चाहिए? मैं उनको इतना ही कहना चाहती हूँ, जितना उन्होंने आज तक काम किया वो ऐसे आगे भी काम करते जाए, जितनी अच्छी तरह लोगों को अपना परिवार मानते हो आगे भी ऐसे मानते जाए। ये देखिए, ये हैं युवा,
और वो भी खासकर लड़कियां, जो कश्मीर की लड़कियां हैं और जो ये कह रही हैं कि हम अपने आप को कश्मीर में सुरक्षित महसूस करते हैं, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी जो बदलाव हुआ है, जिस तरह के इंटरनेट सेवाएं मिल रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके से काम करते रहे और आज इसलिए खुद उनको लाइव सुनने के लिए दूर से पहुंची है। काफी मशक्कत इन्होंने भी की, लेकिन यही बदलते कश्मीर की तस्वीर है जो लगातार हम आपको टाइम्स नाउ भारत पर दिखा रहे हैं। और इसी बदलते कश्मीर की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। जब प्रधानमंत्री 12 बजे यहां सभा स्थल पर मौजूद रहेंगे, उस वक्त भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। क्या वादे कश्मीर वासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ मैं श्वेता भट्टाचार्य, टाइम्स नाउ भारत के लिए।